Now our next topic is Indian Forest Act 1927. Now Forest Act 1927 के major goals क्या है, major objective क्या है? सबसे पहला इसका objective है जितने भी दूसरे acts बने हुए थे उनको consolidate करना. जैसे हमारे यहाँ पास previously बहुत सारे Forest Act बने थे, 1864 का act था, 65 का act था, 78 का act था. ये सारे acts को consolidate करके एक Indian Forest Act 1927 बनाना. फिर गवर्नमेंट को पावर देना कि वो अलग अलग तरह की कैटेगरीज बना सके फॉरेस्ट की, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, इस तरीके से. फिर फॉरेस्ट की प्रॉब्लम्स को डिवाइड करना अलग अलग जगह पर, फॉरेस्ट को डिफाइन करना, डिफेंड करना उसके ऑफेंसेस को, और साथ ही साथ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना. अगर फॉरेस्ट बचेंगे तो ही तो वाइल्ड लाइफ बचेगी, तो उनको कंजर्व करना. हमारे यहाँ बेसिकली तीन तरीके के फॉरेस्ट होते हैं जिनका कैटेगरी बनाई गई है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिनमें आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते, बिल्कुल बैन है वहां जाना, गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रूल होता है वहां पर कोई नहीं जा सकता. ये फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही महंगे फॉरेस्ट आप कह सकते हैं, या इनमें जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो बहुत ही महंगा है, जैसे कि टिम्बर, साल और देवदार, ये सब पेड़ वहां पर पाए जाते हैं. इन जंगलों में जल्दी से कोई जा नहीं सकता, ना ही लकड़ियां काट सकता है. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहां पर आप जा तो सकते हैं बट विद कंट्रोल्स, विद लिमिटेशंस. गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप वहां पर नहीं जा सकते. पार्शियल ग्रेजिंग इज अलाउड, वो भी उसके बाद परमिशन लेने के बाद, अदरवाइज यू कांट गो. एंड थर्ड वन इज विलेज फॉरेस्ट. विलेज फॉरेस्ट इज फॉर विलेज एक्टिविटी, बहुत सिंपल है. विलेज एक्टिविटी करने के लिए जो फॉरेस्ट बनाए गए हैं वो आपका विलेज फॉरेस्ट होता है. तो इनका बेसिक एम क्या होता है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, और ज्यादा से ज्यादा नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाना ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दे जा सके, एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्शन दी जा सके, हैजार्डस चीजों से दूर रखा जा सके, अर्बनाइजेशन से, अर्बन एरिया से इनको दूर रखा जा सके. क्योंकि अगर जंगल ही खत्म हो गए तो फिर इनकी लाइफ भी खत्म हो जाएगी और इनडायरेक्टली हम खत्म हो जाएंगे. क्योंकि अब आप देख रहे हैं जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ शहरों में आनी शुरू हो गई है, यू कैन इजीली सी मंकीज नियर बाय. तो ये चीजें हैं. अब इस फॉरेस्ट एक्ट में कुछ ड्रॉबैक्स थे. पहला क्या, ब्यूरोक्रेट्स का बहुत बड़ा रोल था. कोई भी एक्ट बनता था उसमें ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा हो जाती थी, जैसे आईएएस ऑफिसर्स जितने भी हैं वो इसमें बहुत ज्यादा इंडल्ज रहते थे और उनको सिर्फ अपना ही बेनिफिट देखना था इसके अंदर, काम की तरफ कोई ध्यान नहीं. फिर ट्राइबल इश्यूज बहुत ज्यादा थे, या तो ट्राइबल्स की प्रॉब्लम को कोई नहीं देखता था और या फिर ट्राइबल का इंटरफेरेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था. रेवेन्यू अर्न करने का बहुत मोटा सोर्स था ये. एंड इसके अलावा डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ज्यादा थी फॉरेस्ट ऑफिसर्स के पास, जिसकी वजह से ये जो एक्ट्स है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे. इंडिया में एक्ट्स के सक्सेसफुल ना होने का एक और भी रीजन है कि चीजें पेपर्स तक रह जाती है, एक्चुअली इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, और वो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ना होने की वजह से वहीं के वहीं एक्ट वो पेपर्स पे हमारे जैसे लोगों के लिए पढ़ने के लिए रह जाते हैं बस, तो वो काम नहीं आते. इसके अलावा इतने कॉम्प्लिकेटेड एक्ट्स बना दिए जाते हैं कि इनको इम्प्लीमेंट करना ही पॉसिबल नहीं हो पाता है. उसको इम्प्लीमेंट करते करते सालों निकल जाते हैं, जब तक वो इम्प्लीमेंट होने की कगार पे आते हैं तब तक वो एक्ट खत्म होकर कहीं दूसरा कोई रिप्लेस कर देता है उसको. तो एक्ट्स तो बहुत सारे बने हैं इंडिया में बट इम्प्लीमेंट बहुत कम होते हैं. तो ये था हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट. फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरे रिविजन सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कीप लाइकिंग द चैनल एंड कीप शेयरिंग इट. थैंक यू.